हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फैक्टोरियल पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट द इक्वेशन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल एक्स इक्वल टू वाई क्यू हैज जस्ट वन सोल्यूशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 1 से लेके एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर, उसको आप जोड़िए और ये क्या करिए, ये किसी नंबर का क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रूव करना है आपको कि किसका केवल और केवल एक सलूशन है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, इसमें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 वाई क्यूब, इसमें अगर आप एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू वन पुट कर दें, यानी एक्स की वैल्यू 1, तो ये कहाँ एंड हो जाएगा, 1 के फैक्टोरियल पे ही एंड हो जाएगा। चलिए वाई इक्वल टू 1 क्या पुट करें, वाई की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा वाई क्यूब। यहाँ से क्या पता चल गया कि वाई की वैल्यू क्या होगी, 1, वाई की वैल्यू 1, यानी एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो सिंगल सोल्यूशन है ये आपका एक्स इक्वल टू 1 से वाई इक्वल टू 1 एक आ गया, जो वो कह रहे हैं कि एक ही सोल्यूशन है। अब हमको ये प्रूव करना है कि इस एक सोल्यूशन के अलावा जो आपको ये मिला है, इसके अलावा इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, यानी एक्स और वाई जो नेचुरल नंबर हैं उनका कोई भी सेट ऐसा एक्स और वाई का नहीं मिलेगा कि आप एक्स तक के फैक्टोरियल को ऐड करते जाएं वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें हम लोग फिर लेते हैं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल x, इसको लेते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो गई, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई, और आप एक ये देखिए कि जो फैक्टोरियल 3 होगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 इंटू फैक्टोरियल 3। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू जो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये देखिए फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 में एक 3 आ रहा है, यानी फैक्टोरियल 3 आपका 3 से डिविजिबल है। तो फैक्टोरियल 3 आपका 3 से डिविजिबल है, तो फैक्टोरियल 4 भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 3 का मल्टीपल है। तो यानी फैक्टोरियल 3 से ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल होंगे ये सारे आप यहाँ जो है x की वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल आएगा। लेकिन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तब तो वैल्यू 1 हो जाएगी, वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है। यानी x की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा रखी जाए तो हमारे जो सारे फैक्टोरियल आते हैं इंडिविजुअली वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो आपको एक चीज़ पता है कि मल्टीपल ऑफ 3, बहुत सारे नंबर आपको मिल रहे हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 को जब आपस में ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो आपका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये बाकी बचा पार्ट क्या हो गया, फैक्टोरियल ए 3 प्लस मल्टीपल ऑफ 3, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3, या मल्टीपल ऑफ 3 या डिविजिबल बाय 3 आप ऐसे बोलें, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में आप 3 ऐड करेंगे तो जो पूरा नंबर आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। यानी एक चीज़ हमको ये पता चल गया कि 3 डिवाइड्स, ऐसे लिखता हूँ, 3 डिवाइड्स फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस
फैक्टोरियल एक्स, तीन क्या करता है इसको डिवाइड करता है, यानी ये पूरा नंबर आपका डिविजिबल बाई थ्री। अब हम लोग देखते हैं ये किसके बराबर है, ये वाई क्यूब के बराबर है, यानी अगर तीन डिविजिबल है तो ये वाई क्यूब के बराबर है, तो तीन क्या होना चाहिए वाई क्यूब से भी, वाई क्यूब को भी डिवाइड करना चाहिए क्योंकि पूरा नंबर आपका ये वाई क्यूब के इक्वल है। यहाँ देखिए आप वाई क्यूब, यहाँ से हम लोग एल एच एस को लेकर चल रहे हैं, तो यानी अगर आर एच एस वाला तीन का मल्टीपल है, तीन से डिविजिबल है, ये हम लोगों ने देख लिया, करके देख लिया, ये एकदम प्रूफ हो गया कि हाँ ये मल्टीपल ऑफ थ्री है। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ थ्री है तो ये भी मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल होना है, तो अगर ये मल्टीपल ऑफ थ्री है यानी थ्री इसको डिवाइड करता है तो थ्री क्या करेगा वाई क्यूब को भी डिवाइड करेगा। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि एक छोटी सी चीज़ कि अगर थ्री वाई क्यूब को डिवाइड करता है तो थ्री जो है वाई को भी डिवाइड करेगा, कैसे? एक हम लोग क्लास टेंथ में पढ़े थे कि अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, पी क्या है एक प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर क्या है पी से डिविजिबल है, तो ए भी क्या होगा ए इज आल्सो डिविजिबल बाई पी। आप यहाँ से यहाँ चले जाइए या यहाँ से यहाँ, आपको ये पता हो तो ये कर दीजिए, ये पता हो तो ये कर सकते हैं दोनों, और ये जनरल भी सही है, ए के पावर आप कुछ भी करो, यानी अगर हम कह दें कि ए क्यूब इज डिविजिबल बाई पी, पी क्या है प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमको क्या क्या निकलता है, इट इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो डिविजिबल बाई पी, मतलब कि अगर y क्यूब को तीन डिवाइड करता है तो y को भी डिवाइड करेगा, इस हिसाब से कि a क्यूब कोई नंबर है, ये क्या करता है p इसको डिवाइड करता है, तो a भी p क्या करेगा a को भी डिवाइड करेगा, p प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जो y a क्यूब या y क्यूब जब आप लिखते हैं, a क्यूब अपने आप में क्या है a इंटू a, और a का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो a का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वही अगले a का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही अगले a का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सेम जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन तीन बार मल्टीप्लाई होगा। और a अगर डिविजिबल है तो क्योंकि वो आपका जो प्राइम नंबर है a के प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो इस वाले a के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी होगा और इस वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में भी होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों सही है, कि अगर a क्यूब डिविजिबल बाई p तो a इज आल्सो डिविजिबल बाई p, अगर a इज डिविजिबल बाई p तो a क्यूब भी डिविजिबल बाई p। तो यहाँ से हम लोग एक ये करते हैं कि थ्री डिविजिबल बाई वाई क्यूब, तो अगर वाई क्यूब को डिवाइड करता है तो थ्री क्या करेगा वाई को भी डिवाइड करेगा, क्यों करेगा, लॉजिक हम लोग समझ लिए कि कोई नंबर का स्क्वायर है या क्यूब है अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर इटसेल्फ क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए उस प्राइम नंबर से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक। अब थ्री अगर डिविजिबल है वाई से, आप देखिए वाई को ध्यान से, वाई का प्राइम फैक्टराइजेशन करा जा रहा है तो इसमें थ्री आ रहा है, अगर वाई इंटू वाई की बात करी जाए तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन तीन बार मल्टीप्लाई में लिखा है, सेम ही तो आएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है किसी भी नंबर का, वो यूनिक होता है। तो अगर यहाँ वाई यहाँ तीन का मल्टीपल मिल रहा है, ये अगर मल्टीपल ऑफ थ्री है तो ये भी क्या होगा मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, क्योंकि सेम चीज़ तो लिखा है, ये भी मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, यानी यहाँ भी तीन से, ये तीन से डिवाइड होगा, ये तीन से डिवाइड होगा, ये तीन से डिवाइड होगा, यानी हम कह सकते हैं कि थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी जो पूरा नंबर है ये 27 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल वाई अगर तीन से डिवाइड होता है तो वाई इंटू वाई थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि 27 डिवाइड्स वाई क्यूब, ये हो गया, यानी हम लोग क्या किए, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट था इसको
यहाँ से हम लोग देख लिए कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ थ्री है। लेफ्ट वाला पार्ट आपका मल्टीपल ऑफ थ्री है, तो राइट वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ थ्री। तो राइट वाला पार्ट भी मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से थ्री डिवाइड्स वाई क्यूब, थ्री डिवाइड्स वाई यानी 27 डिवाइड्स वाई क्यूब। अब अगर 27 डिवाइड करेगा वाई क्यूब को, यानी वाई क्यूब क्या है, इसी को अगर 27 डिवाइड करेगा तो हमारा इक्वेशन का कोई सोल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक लाइन, हम लोग ये कहेंगे कि 27 डिवाइड्स वाई क्यूब, यानी हम लोग ये कहेंगे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल x इक्वल टू वाई क्यूब हैज ए सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ 27 डिवाइड्स वाई क्यूब, यानी वाई क्यूब क्या है, यानी 27 इसको अगर डिवाइड कर रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल x, यानी अगर ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है तो जब 27 से भी डिविजिबल होगा तब वो हमारा वाई क्यूब के रूप में लिखा जाएगा। तो यानी अगर 27 से अगर ये डिविजिबल हो गया पूरा नंबर तो समझ लो इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल x ये 27 से डिविजिबल है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हम लोग लेके चले हैं। अब देखिए, फिर देखते हैं फैक्टोरियल 1 को देखते हैं, ये हमको ये करना है कि ये 27 का मल्टीपल है कि नहीं। अब आप सारे नंबर्स को थोड़ा एक बार देख लेते हैं, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6 क्या होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, जो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आएगी, फैक्टोरियल 7 क्या होगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8 क्या होगा 8 इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 9 क्या होगा 9 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10 क्या होगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9, यहाँ तक ही देखेंगे केवल। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पहला नंबर कौन सा मिलेगा जो 27 का मल्टीपल होगा, इसमें कि वो फैक्टोरियल 7 है कि फैक्टोरियल 8 है, क्योंकि ये सारे नंबर तो देखिए ये 1 है 3, ये 1 है, ये 2 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 12 है, ये 120 है और ये 720 है, ये 5040 है। और आप देखिए इसमें जो है फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सेवन इंटू फैक्टोरियल 6। ये देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, अगर 27 से डिविजिबिलिटी की बात आएगी तो यहाँ तक क्या है, यहाँ 1 3 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ भी 1 3 मिलेगा, इसको 2 इंटू 3 करेंगे तो ये 9 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ कोई एक्स्ट्रा 3 नहीं मिलना है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी कोई एक्स्ट्रा 3 नहीं मिलना है। ये जो नंबर है आपका फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 9 क्या है, फैक्टोरियल 9 क्या है 9 इंटू फैक्टोरियल 8 यानी 3 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 8 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू थ्री इंटू टू। फैक्टोरियल नाइन की वैल्यू देखिए, इसमें तीन एक बार मल्टीप्लिकेशन, तीन दो बार मल्टीप्लिकेशन, एक बार यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन और चौथी बार भी है, यानी हमको तीन से मतलब है कि ये 27 से डिविजिबल होगा। फैक्टोरियल नाइन के पहले कोई भी नंबर 27 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें 27 से डिविजिबल होने के लिए तीन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर को ओपन करो आप, तीन मल्टीप्लिकेशन में तीन बार मिलना चाहिए। तो जो पहला नंबर होगा 27 से डिविजिबल वो फैक्टोरियल 9 होगा, और जो फैक्टोरियल 10 होता है वो 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 का मल्टीपल होगा। तो अगर ये 27 से डिविजिबल है तो ये भी पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी इधर के आगे के जो ये सारे x हैं वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 27। यानी फैक्टोरियल 9 से लेके आप फैक्टोरियल x तक का सम करोगे तो ये सारे मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो जो सम करने के बाद आएगा वो भी मल्टीपल ऑफ 7 होगा। यानी फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 6 7 8, यानी इसको दो पार्ट में कर लिए, इसको अलग कर लिए, और ये जो फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 10 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल एक्स, इसको अलग कर लिए। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल एक्स तक का सम होगा ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 27, क्योंकि फैक्टोरियल 9 डिविजिबल बाई 27, तो फैक्टोरियल 9 के बाद वाले क्या होंगे, फैक्टोरियल 9 का मल्टीपल तो उसमें आएगा ही, तो सारे नंबर जोड़ोगे मल्टीपल ऑफ 27 मल्टीपल ऑफ 27, तो जो नंबर बन के आएगा ये पूरा नंबर ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 27। यानी अब हमारा टारगेट किस पे सेट करना है, ये अगर ये मल्टीपल ऑफ 27 आ गया तो मल्टीपल ऑफ 27 में मल्टीपल ऑफ 27 जोड़ेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 27 होगा, अगर ये मल्टीपल ऑफ 27 नहीं है तो पूरा नंबर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 27 नहीं होगा, यानी 27 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी हम लोग को क्या करना है, फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 8 तक का सम निकालना है। तो यहां इतना तो हम लोग लिख ही चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। टू सिक्स ये 24 120 720, ये क्या हो गया 5040। इसमें क्या करेंगे आप, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका, यानी अगर आपको सम करना हो फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 8 तक का, तो 6 टू 8 9 10 13 3 1 5 7 9 11 13 3 1 हो गया 7 3 10 10 1 11 11 ये 6 4 6 1 3 3 ये नंबर आपका क्या आया फैक्टोरियल 1, ये 4 6 1 3 3 प्लस ये नंबर डिविजिबल बाई 27। अब हम 4613 को चेक कर लें कि ये मल्टीपल है कि नहीं है, ये 27 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4613 आप 27 से डिवाइड करके देखिए, 27 टू टाइम्स जाएगा तो ये 54 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा तो ये 27, 16 से 7 ये 9 हो गया, 3 से 2 1 और ये 1 आ गया, ये 30 के अराउंड मान लेते, ये 6 टाइम जाएगा, अगर 7 टाइम्स करें तो 140, 27 इंटू 7 189, यानी ये 7 टाइम्स जा रहा है 189, ये आ गया 2, अब यहाँ फिर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर कुछ बार जाएगा, यानी ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, यानी ये जो नंबर 4613 है ये क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 27, और प्लस ए नंबर डिविजिबल बाई 27। तो अब
अब यहाँ से क्या मिलेगा, एक नंबर आपका जो है वो 27 का मल्टीपल है और एक नंबर 27 का मल्टीपल नहीं है, तो आप जब दोनों को ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, नॉट डिविजिबल बाय 27। तो ये 27 से डिविजिबल नहीं है। हम लोग क्या कहे थे कि अगर ये तीन से तो डिविजिबल हम लोग चेक किए थे, फिर क्या किए थे, इसके जगह हम वाई क्यूब रखे थे, तो वाई क्यूब क्या आया था, ये 27 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी ये वाई क्यूब के इक्वल तभी हो सकता है जब ये तीन से भी डिविजिबल है, 27 से भी डिविजिबल हो, यानी ये इसकी वैल्यू 27 से अगर डिविजिबल होगी तो उसका सोल्यूशन मिलेगा, अगर नहीं डिविजिबल होगा तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग चेक कर लिए, तो ये क्या आ रहा है, 27 से डिविजिबल नहीं है। सो द इक्वेशन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस वाई क्यूब हैज नो सोल्यूशन इन नेचुरल नंबर्स और फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी देखना होगा क्योंकि जो 3 का मल्टीपल हम लोग इसको प्रूव किए थे, ये हम लोग ये लेके चले थे कि फैक्टोरियल 3 के बाद वाले सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं, और 3 अगर x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू वाई क्यूब, तो y क्यूब इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आपको इंटीजर नहीं मिलेगी, और x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 आ ही गया, यानी 3 से लेके आगे वाले नंबर को यहाँ प्रूव कर लिया, और 1 तो इसका सोल्यूशन है और 2 पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था, तो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।